एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्त हम अपने पोल्ट्री फार्म में हैं और आज विशेष दिन है क्योंकि आज हो गया है पूरा एक साल हो गया है इस पोल्ट्री फार्म में बच्चों को लाए हुए। ठीक है, यानी कि हमारे इस फार्म पर जब पहला बैच आया था वो 14 अप्रैल को ही आया था और आज जो शूटिंग में कर रहा हूँ आज 14 अप्रैल 2022 है। तो दोस्तों इस जो एक साल हमारे पोल्ट्री फार्म को हुआ है इस अवसर पर एक विशेष बात यह है कि आज हमारे यहाँ एक मेहमान भी पधारे हैं और मेहमान बहुत दूर से आए हैं, मैं उनका आपसे परिचय कराना चाह रहा हूँ और आज ठीक एक वर्ष जब पूरा हुआ है वो यहाँ पधारे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। तो दोस्त ये हैं डॉक्टर के द्विवेदी जी और आप हैं डॉक्टर रंजना जी। तो डॉक्टर साहब द्विवेदी साहब यहाँ आज उत्तराखंड में आप आए हैं, पहले आप हमारे मित्रों को अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं के द्विवेदी हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में डीन स्कूल ऑफ लॉ हूँ। डीन स्कूल ऑफ लॉ? हाँ डीन स्कूल ऑफ लॉ हूँ जी। और आपका यूट्यूब चैनल देखते रहते थे तो ये मन में तमन्ना आई कि थोड़ा चल करके देखा जाए, चूंकि नैनीताल की तरफ निकलना था तो हमने सोचा कि आपका जो है ये पोल्ट्री फार्म भी देखते चले क्योंकि यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है आपका चैनल। जी जी थैंक यू। तो आपके साथ आपकी धर्मपत्नी जी भी हैं डॉक्टर रंजना जी, मैम से पूछते हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैम कैसा लगा यहाँ आके आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने ये पोल्ट्री फार्म ही पहली बार देखा और इतना नीट एंड क्लीन हो सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ओ माय गॉड, अच्छा आपने पोल्ट्री फार्म ही पहली बार देखा? ओके तो डॉक्टर साहब आपने तो पोल्ट्री फार्म पहले देखे होंगे? हाँ मैंने देखा है लेकिन यहाँ जो है नजदीक से पहली बार समझने का मौका मिला है। अच्छा। और जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वो चीज लगी देसी जो मुर्गे हैं या कड़कनाथ मुर्गे हैं उनको मैं पहली बार देखा और समझा नजदीक से जी। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ व्यवस्था है जैसे उनका बाइफर्केशन कैसे किया गया है, साफ सफाई कैसे है, है? और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, इवन कि इन मुर्गों को टहलने की भी सुविधा है बाहर जो है निकल करके। जी जी जी। तो काफी अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में इनका जो है मेंटेनेंस हो रहा है, इनकी हैचिंग हो रही है और मतलब ये अद्भुत है देख करके जो ऐसा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब एक हमारे दोस्त क्या है कि पूरे भारत से तो जुड़े ही हैं, देश विदेश से भी जुड़ रहे हैं, तो वैसे हम जानना चाहते हैं बेसिकली आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा वेरी गुड। और गोरखपुर मंडल में आता है, नौकरी करता हूँ ग्रेटर नोएडा में। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई है, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी से मैं PhD किया और वहीं भी अध्यापन का भी कार्य किया। अच्छा तो हमारे चैनल से एक्चुअली गोरखपुर देवरिया से बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो उनको आज अच्छा लग रहा होगा, देखिए आपके यहाँ से एक मित्र यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ जो देसी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं या देसी एग आपने देखे, देसी चूजे भी आपने आज देखे यहाँ पर, तो बाजार से जब आप लोग मीट लेते हैं या एग लेते हैं और आज आपने सामने देखा तो क्या फ़र्क आपको लगा? फ़र्क ये लगा कि बाजार के जो अंडे होते हैं उनकी बनावट में और यहाँ के जो अंडे के बनावट में एक डिफरेंट हम लोगों को देखने को मिला जो है जी। और अगर उनको बॉयल्ड करिए तो उनमें स्मेल में और यहाँ के में बहुत अंतर रहता है। ओके। यहाँ के अंडों को अगर बॉयल करिए तो स्मेल नहीं उसमें से आती है। ओके। एक चीज ये चीज हमको, हाँ ये हम लोग एक्चुअली इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं, इससे बेटर मेरे को लगता है कि मैम बताएंगी। मैम आपने भी अंडे में मेरे को लगता है टेस्ट किए थे यहाँ के आज, तो क्या लगा आपको? नहीं इनका स्वाद अलग है जो हम लोग शहरों में खरीद के खाते हैं, यहाँ तक कि शहरों में जो ऑर्गेनिक अंडे कह के मिलते हैं ना उनसे भी इनका स्वाद अलग है। ओके। तो क्योंकि उनमें भी स्मेल आती है जब घर में बॉयल कर देते हैं तो बच्चे भागने लगते हैं कि हमें खाना ही नहीं, खुद मुझे भी नहीं खाने का मन करता है जी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि नहीं खाना पड़ेगा जी। लेकिन यहाँ के जो अंडे मैंने टेस्ट किए मुझे लगा कि नहीं ये अच्छे हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं थी। ओके थैंक यू। और देखिए आपके अगल बगल अब जो है मुर्गियाँ यहाँ टहलने लगी हैं ये, और डॉक्टर साहब के भी साथ जो है पीछे टहल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ये फार्म आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खेतों के बीच में है और जो फार्म का सेटअप है आपने बिहार यूपी और उत्तराखंड कई जगह आपने भ्रमण किया है, तो बताइए कि इस फार्म की बनावट में कुछ आपको विशेष लगा हो? विशेष लगा क्योंकि जी इसमें वेंटिलेशन की जो व्यवस्था की गई है जी, कि अंदर अगर जो है मुर्गियां रहती हैं तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और एक नेचुरल तरीके नेचुरल रूप दिया गया है जिससे कि अंदर जो है ज्यादा टेम्परेचर जो है ना हो, कलेक्शन ऑफ टेम्परेचर ज्यादा ना हो, तो एक बैलेंस है जो बाहर का टेम्परेचर अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत जो है
हॉट हो जाए, अधिक हो जाए जी। तो बनावट भी अच्छा है जो आपने बनाया है उसे, जो है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कंपेरेटिवली अदर्स जो होते हैं ना उनके यहाँ एक ऐसे सिंपल कटरैन लगा दिया जाता है जी। और मैं देखा हूँ और भी पोल्ट्री फार्म में कि अंदर जो है उतनी साफ सफाई नहीं रहती है जी, और यहाँ पे तो अंदर आने पर ही एक अच्छा सा माहौल मिल रहा है, लग नहीं रहा है कि हम पोल्ट्री फार्म हैं, तो वो तो स्मेल आती है और जगह जाने में जी, लोग नहीं आ रहे। चलिए मैम से पूछते हैं कि जब आप अंडे लेने बाजार गई हैं नोएडा दिल्ली वगैरह मॉल में, तो देसी अंडे आपको किस रेट सामान्यतः मिले हैं? देसी अंडे 20 से 25 रुपए में मिलते हैं। और माय गॉड, जिसकी मुझे पता नहीं कि वो देसी होते हैं या नहीं होते। अच्छा हैं। कलर क्या होता है उनका? कलर तो वैसे पिंक होता है, लेकिन डार्क पिंक होता है जो। अच्छा, इसका पिंक है जी, उससे कुछ अलग रहता है। ओके, ज्यादा डार्क होता है। ज्यादा डार्क होता है तो 20 से 25 रुपए का एक अंडा आप खरीद रही है। ओके, तो डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इतनी दूर से आज हमारे फार्म को देखने आए और आपने फीडबैक दिए हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए। धन्यवाद एक बार आप दोनों के लिए फार्म पधारने के लिए। थैंक यू।